हर महीने के 50,000 के हिसाब से 8 महीने का ड्यूरेंट हुआ 4 लाख और इंटरेस्ट मिलाकर 5,70,000। क्या? हाँ मगर हेडक्वार्टर से कुछ फंड आया ही नहीं है तो हम कैसे? कैसे? तुम इधर आओ। हम कुछ नहीं करेंगे, अरे लीगल एक्शन होगा, अब कोर्ट हमारा इस हवेली का किराया वसूल करेगा, समझे ना? अब हम यहाँ नहीं आएंगे, लीगल नोटिस आएगी हमारे वकील की। अच्छा मतलब केस करोगे? हाँ। लीगल एक्शन करोगे? वो तो हम भी कर सकते हैं आपके खिलाफ। अरे हमने क्या किया? सेक्शन 188 के तहत मकान मालिक को अपने हर किराएदार का पुलिस वेरिफिकेशन कराना बहुत जरूरी है। आप कराएं? नहीं कराएं ना? इसका मतलब आपका इस शहर में जितना भी घर है उसमें जितने भी रहने वाले किराएदार है वो कुछ भी निकल सकते हैं। वो मुजरिम निकल सकते हैं, वो खूनी निकल सकते हैं, टेररिस्ट निकल सकते हैं, स्मगलर निकल सकते हैं। हाँ हाँ। और अगर ऐसा हुआ नवाब साहब तो बहुत लंबा जाओगे। अरे लेकिन हमारा कोई किराएदार ऐसा है ही नहीं। अच्छा ये भी आपकी किराएदारी है ना? इनका वेरिफिकेशन हुआ है? किनका? इनका? अरे ये हमारी औलाद की तरह है, हमको इन पर उतना भरोसा है जितना अपने आप पर है। अच्छा का नाम बताया आपने? जी पारो। पारो पूरा नाम का है? पार्वती सक्सेना और गोविंद सक्सेना इनके खाविद है। इनका आइडेंटिटी प्रूफ देखना है हमें, दिखाइए। इसमें तो पार्वती कौर लिखा है। कौर? कौर मतलब कौर कौन? वो कौर मेरा सरनेम है बाबूजी का। वो क्या है ना कि अभी नई नई शादी हुई है तो बस आधे डॉक्यूमेंट्स पे नाम अपडेट करवाना रह गया है। अच्छा पति का क्या नाम बताया तुमने अपना? जी गोविंद, गोविंद सक्सेना। काम कहाँ करते हैं? नौकरी करते हैं वो। कहाँ नौकरी करते हैं? दुबई में। दुबई में नौकरी करते हैं। साल में बस एक आध बार ही आना होता है उनका यहाँ पे इंडिया में। तो फिलहाल कहाँ है, दुबई में या इंडिया में? जी दुबई में है। और कहाँ होंगे? फोटो दिखाओ। फोटो तो साथ में नहीं है मेरे पास। अम्मा क्या बात कर रही हो, फोटो तो साथ ही होता है पति का, आजकल फोन साथ होता है, फोन में तो होता ही है। दिखा फोन। वो दरअसल क्या है कि मैंने फोन नया लिया है तो पुराने मोबाइल में फोटोज थे ना तो इसमें नहीं है। ये देखिए मेरे मोबाइल में है क्योंकि मैंने हाउसिंग एग्रीमेंट के लिए इसको रखा था। ये देखिए, देखिए ये देख लीजिए। जोड़ी अच्छी लग रही है। हो गई ना तसल्ली? और अगर ना हुई हो तो हम आपको फोटो भेज देंगे और आराम से आप तसल्ली कीजिएगा। और ये मत समझिएगा कि हम डर गए हैं, हम फिर आएंगे और इस बार हम अपने किराएदारों के वेरिफिकेशन कागज साथ में लेके आएंगे। चलो पारो। हेलो। हाँ हेलो, मैं बोलती हूँ। वो आज मैं नवाब के साथ थाने गई थी किसी काम से तो वहाँ पे ना पुलिस तुम्हारे बारे में बहुत सवाल कर रही थी। मुझे लगता है कि उन्हें मुझ पे शक हो गया है। मुझे बहुत डर लग रहा है, यार क्या करूँ? सुनो मैं तुम्हें बाद में फ़ोन करती हूँ। बाय बाय बाय। चलिए मोटर माँ जी आइए। एक एक चाय, एक चाय, एक चाय, एक चाय। अरे इतना सैड सैड क्यों? कोई घर नहीं मिला क्या? अभी कहाँ, नवाब ने ना बोल दिया। सिंगल लड़कियों को घर नहीं देते वो, इसीलिए कहीं और ढूंढना पड़ेगा।
पर कहाँ ढूंढे, कैसे ढूंढे, टाइम भी तो मिलना चाहिए ना। करिश्मा मैडम ने हमें ये नया काम दे दिया, इस कपल के बारे में पता लगाना है। हाँ तो इसमें दिक्कत क्या है, लाओ मुझे दिखाओ फोटो। अरे अबे अबे दिखा, मैं ढूंढता आपके लिए इस कपल का इंफॉर्मेशन। तुम ढूंढोगे? हाँ तो जर्नलिस्ट हूँ, यही काम है मेरा। एक घंटे में इस कपल की सारी इंफॉर्मेशन आपके सामने ना रख दी ना, तो मेरा नाम भी सनी चड्डा नहीं घंटा। ठीक, अरे गॉडफादर, चलो उधर उधर फोटो दो। जर्नलिस्ट है बेटा, तुम जर्नलिस्ट हो ना तो हम भी पुलिस वाले हैं, और हम भी ढूंढ सकते हैं इसको, बड़े आराम से ढूंढ सकते हैं, हमारा भी यही काम है। एक घंटे में ढूंढ लेंगे बड़े आए इसमार खान। संतू जी आप ना बिल्कुल चिंता मत कीजिए, इसका जो फोटो है ना हम अपने फोन में ले लिए हैं, हम इसको ढूंढ लेंगे। आप बड़े इत्मीनान से अपना मकान ढूंढिए हैं। ए बिल्ले हंस क्या रहा है बे? नहीं नहीं, पुलिस को किसी को ढूंढना होता है तो हम जैसे चोरों की मदद लेते। अरे इस कपल को तो मैं ही ढूंढूंगा, बिल्लू द स्पाई। चैलेंज कर रहे हो क्या बे? ए चैलेंज बराबर वालों को दिया जाता है। तो दे इसको। ओ चुप करो तुम लोग, करिश्मा मैडम ने मुझे काम दिया तो ये मैं ही करूंगी। ठीक है बेटा, ऐसी बात है तो चैलेंज एक्सेप्टेड। चैलेंज एक्सेप्टेड, चैलेंज एक्सेप्टेड। पुष्पा जी। जय हिंद मैडम सर। संतोष चीता सब लोग कहाँ हैं? करिश्मा मैडम से पूछिए, उन्होंने ही दोनों को पारो और उसके पति गोविंद का पता लगाने के लिए भेजा है, सब उन्हीं के पीछे पड़े। मैडम सर हमने सिर्फ संतोष को भेजा है, बाकी सब कहा है वो हमें नहीं मालूम। करिश्मा सिंह हमने आपको सिर्फ नवाब साहब को संभालने के लिए कहा था, उनके पीछे किसी को लगाने के लिए नहीं। मैडम सर हमें ये मामला थोड़ा संदिग्ध लग रहा है, हमारे जजमेंट पे आप भरोसा कीजिए, हमारी छठी इंद्री है ना वो कभी हमको धोखा नहीं देती है, ये मामले में थोड़ा कुछ गड़बड़ है। पुष्पा जी। जय मैडम सर। पुष्पा जी हमसे पहले सनी चड्डा बिल्लू या संतोष जी आए क्या? नहीं। आमा कुछ बकोगे भी कि बस सांप की तरह लहराते रहोगे? अरे ब्रेकिंग न्यूज है पुष्पा जी, ब्रेकिंग न्यूज है, ये जो पारो अपने आप को गोविंद की पत्नी बता रही है ना, दोनों के दोनों झूठे हैं। और ये जो गोविंद है ना उसकी दूसरी बीवी है और उसका नाम ना पायल है, पायल। अरे ब्रेकिंग न्यूज है पुष्पा जी, ब्रेकिंग न्यूज है, ये जो पारो अपने आप को गोविंद की पत्नी बता रही है ना, दोनों के दोनों झूठे हैं। और ये जो गोविंद है ना उसकी दूसरी बीवी है और उसका नाम ना पायल है, पायल। फेक न्यूज। असली खबर तो इधर है मैडम, करेक्ट इन्फॉर्मेशन का इकलौता अड्डा आपका अपना सनी चड्डा। मुद्दे पे आओ। हाँ तो आ जाते हैं मुद्दे पे। मैडम करिश्मा जी एकदम सही कह रही थी, ये जो गोविंद है ना ये बड़ा जुगाड़ू आदमी है, पहले से उसकी पता है पहले से शादीशुदा है, फिलहाल दुबई में रहता है, उसका नया फ्लैट इंदिरा नगर में, फ्लैट का नंबर 102 है, मकान मालिक का नाम राजेश अरोड़ा है और उसकी बीवी का नाम पायल है। गलत, बीवी का नाम है गायत्री, शास्त्री नगर में रहती है, फ्लैट नंबर है 227, मकान मालिक का नाम है इम्तियाज शेख, और मुझे इसलिए पता है क्योंकि मैं भी खुद मिलकर आ रहा हूँ, समझे? अरे हम तुमको बता रहे पायल। जय हिंद मैडम सर, मैंने पता लगा लिया है, वो पारो का पति गोविंद के बारे में पता है उसकी शादी हो चुकी है और उसका बीवी का नाम पायल है। गायत्री है मैडम, गायत्री। पायल है मैडम, पायल। रागिनी है मनीषा। मनीषा श्रीवास्तव नाम है उनका, फ्लैट नंबर 305 मालवीय नगर, मकान मालिक श्रीनिवास राव। खुद मैं वहां गया हूँ, खुद फोटो दिखाया है, खुद कंफर्म किया है, खुद। एक मिनट, ये हो क्या रहा है? कौन है आदमी जिसने एक साथ 5-5 लड़कियों से शादी कर रखी है? वो उनका हस्बैंड है। हमें इतना कुछ तो हमने भी नहीं सोचा था, हमको लगा ये केस छिप के लिए, लेकिन ये तो मगरमच्छ निकला, इतना बड़ा जालसाजी। पता लगाओ कौन है ये गोविंद जिसने 5 लड़कियों को एक साथ बेवकूफ बना रखा है। जी मैडम सर। तुम यहाँ क्या कर रही हो? पुलिस स्टेशन से फोन आया था। हाँ? कल सुबह पुलिस स्टेशन में बुलाया है। I'm sure it's about you.
और मुझे ऐसे लग रहा है कि शायद बाकी लड़कियों को भी बुलाया होगा। क्या करें? मैं भी वही सोच रहा हूँ पारो। कलकत्ता, कलकत्ता, मैं वहां चले जाता हूँ और तुम लोग बिना कहीं पे छुप जाओ, और अगर हो सके ना तो अंडरग्राउंड हो जाओ, मैं तो कहता हूँ। ओके ओके, टेक केयर। टेक केयर। या हमने उन औरतों को 11 बजे बुलाया था मैडम सर, कोई भी नहीं आया। हमने पहले ही कहा था मैडम सर। उस वो पारो को फोन लगाइए। जी मैडम सर। डायल किया गया नंबर इस वक्त स्विच ऑफ है। उसका फोन स्विच ऑफ आ रहा है। वो और भी तो लड़कियां हैं, किसी को ट्राई करिए। जी मैडम सर। किसी का भी फोन नहीं लग रहा है मैडम सर। हमने कहा था मैडम सर, कुछ गड़बड़ जरूर है। पुलिस का नौकरी में ना एक नजर ही काफी होता है। किसी का भी नहीं लग रहा है।